अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सैरी स्पेशल मसालेदार लच्छे पराठे की रेसिपी लेकर आई हूँ। बस तो वह हम परेशान हो रहे होते हैं कि हम सैरी में क्या खाएं, तो ये ख़ास मसालेदार लच्छा पराठा आपके लिए है, इसको ज़रूर ट्राई करें। ये मसालेदार पराठा इतना क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार होता है कि जब आप इसको अपनी सैरी में बनाएंगे ना, तो सब घर वाले वाह वाह कर उठेंगे। तो चलिए मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, बिना टाइम वेस्ट किए इस मसालेदार लच्छे पराठे को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मसालेदार अच्छे पराठे को बनाने के लिए सबसे पहले इसकी डो तैयार कर लेंगे। डो तैयार करने के लिए बर्तन में 1 कप आटा डालेंगे। यहाँ पर हम मैदे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस मसालेदार लच्छे पराठे को बनाने के लिए हम घर के आटे का ही इस्तेमाल करेंगे। आटा डालने के बाद हसब जरूरत नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद 1 टेबल स्पून घी डालेंगे। आप घी की जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी डालने से इसका टेस्ट और भी लाजवाब बनेगा। घी डालने के बाद अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको हाथों की मदद से गूंद लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी जबरदस्त सी डो तैयार हो चुकी है। अब इसको एक साइड पर रख लेंगे। साइड पर रखने के बाद वो काउंटर पर आटा स्प्रिंकल कर लेंगे। आटा स्प्रिंकल करने के बाद अब इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन प्रेस कर दें, ताकि इसे आने वाली मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक वसूल होती रहे। और इसको बेलने की मदद से बेल लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा जबरदस्त सा पराठा बेल चुका है। अब इस पर 1 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च स्प्रिंकल कर लेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च डालने के बाद अब इसके ऊपर हरा धनिया डालेंगे। मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप यहाँ पर फ्रेश हरा धनिया का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। धनिया डालने के बाद अब इसको हम छुरी की मदद से कट कर लेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब इन कटे हुए पीसेस को इकट्ठा करके इनका एक पेड़ा तैयार कर लेंगे। पेड़ा तैयार हो जाने के बाद अब इसको दोबारा बेलने की मदद से बेल लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा जबरदस्त पराठा बेल चुका है। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। थोड़ी देर पक जाने के बाद अब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। साइड चेंज करने के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगा लेंगे। आप देसी घी की जगह मक्खन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। दूसरी साइड से पक जाने के बाद लीजिए व्यूअर्स, हमारा जबरदस्त सा मसालेदार लच्छा पराठा तैयार है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये जबरदस्त ये मसालेदार लच्छा पराठा की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मेरी प्यारी इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने इस मसालेदार मसालेदार लच्छे पराठे को अपनी सैरी में ज़रूर ट्राई करना है। मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपको ये मसालेदार लच्छे पराठे की रेसिपी कैसी लगी है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।